गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं ट्रायंगल में मीडियंस क्या होता है, मीडियंस के बारे में सीखना। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये सारा वर्टेक्स होता है और इसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आप यहाँ से एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन अगर सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो यही इसका क्या है, मीडियन है, क्लियर। अब इस वर्टेक्स से आप यहाँ ड्रॉ कर लो, ये सामने वाले दो साइड को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, मीडियन है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है और जिसमें डी ए डी बी ई और ये सी एफ, ये तीनों क्या है, मीडियन। मतलब ये भी आपने सामने वाले साइड को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट पर डिवाइड करती है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। और ये जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल जी से। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। ये हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये आ गया आपका कैपिटल जी। यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए जी जो है ना, ए जी, ठीक है, ए जी इज इक्वल टू, ये लेंथ क्या होगा, 2/3 ऑफ पूरा लेंथ ए डी। लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। ये टू पार्ट है और टोटल पार्ट कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 2/3 ऑफ ए डी। सिमिलरली लिख सकते हैं कि बी जी कितना हो गया, बी जी इज इक्वल टू 2/3 दैट ऑफ बी ई, दैट ऑफ बी ई। एंड सिमिलरली सी जी इज इक्वल टू 2/3 दैट ऑफ सी एफ। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें ना, तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी इज इक्वल टू 2/3 और ये कॉमन तीनों में ही है तो कॉमन लेते ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। बस तो यहां से हम ना ये डायरेक्ट आपको ना कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा दे रखेगा, बोले विच वन इज करेक्ट, तो आउट ऑफ ऐसा 4 इक्वेशंस दे रखेंगे और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। आप इजीली बता पाओगे कि ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब यहीं से और भी हम कुछ निकाल सकते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब ये जो है ना ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करने वाले, ये छोटा सा पोर्सन, मतलब ये जो जी डी था ना, ये आपका जी हो गया था, अब ये आपका डी था, ये आपका ए, ये बी और ये सी, बी ई और ये हो गया आपका सी एफ, ठीक है। तो अब यहाँ से छोटा सा पोर्शन ले, ये 2:1, ये भी 2:1, ये भी 2:1। तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं जी डी का लेंथ जो होगा ना, जी डी का लेंथ वो होगा 1/3 दैट ऑफ ए डी। ये भी सही है, जी डी इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/3 दैट ऑफ ए डी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जी ई, जी ई का लेंथ क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/3 दैट ऑफ बी ई। और सिमिलरली जी एफ का क्या होगा, जी एफ इज इक्वल टू 1/3 दैट ऑफ सी एफ, ठीक है। तो देन यहाँ पे भी अगर हम बोथ साइड ऐड करें तो ये हो गया जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ इज इक्वल टू 1/3 कॉमन, और यहाँ से लिख सकते ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। अब ये भी एक रिलेशन बन गया, मतलब आपको कभी दे रखेगा एग्जाम में कि ऐसा एक्सप्रेशन है, विच वन इज करेक्ट आउट ऑफ दिस 4, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोग आज जो भी सीख रहे हैं ना, वो मीडियंस के बारे में सीख रहे हैं कि मीडियंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये हो गया ए बी सी, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है, ए डी क्या है, मीडियंस है, बी क्या है, अगेन मीडियन, और सी एफ भी क्या है, मीडियन है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल। यस, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, कैपिटल जी, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, और भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है, निकालते हैं ना। ये जो बी जी और ये जो सी जी है, ये ऑलवेज ग्रेटर होता है बी सी लेंथ में। लिखेंगे बी जी प्लस सी जी ऑलवेज ग्रेटर होता है साइड बी सी से, ये बी जी ये सी जी ऑलवेज ग्रेटर होगा, इन दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, इस साइड से बी सी। सिमिलरली हम लोग अगर यहाँ देखें तो क्या लिख सकते हैं, जी सी प्लस ए जी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, तो लिखेंगे ए जी प्लस जी सी या सी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन साइड ए सी।
सिमिलरली यहाँ से ए जी प्लस जी बी, ठीक है, तो बी जी लिख देते हैं, बी जी प्लस ए जी ऑलवेज ग्रेटर देन साइड ए बी। अब इसको बोथ साइड आप ऐड कर लो, यहाँ बी जी है बी जी, जी सी जी सी, ए जी ए जी, मतलब यहाँ लिखेंगे ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, लेकिन ये कितने टाइम्स में, टू टाइम्स, ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी एक रिलेशन निकल आया। आई होप इतना आप समझ पाए, ठीक है। एक और रिलेशन देखते हैं, ये सारा कुछ मीडियंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल है, ए डी आपका मीडियन, बी सी भी आपका बी ई मीडियन, मीडियन मतलब दोनों आपस में इक्वल, और सी एफ इज ऑल्सो मीडियन, ठीक है। तो यहाँ से और क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है आपसे, ना ये कह रखेगा कि ए ए के ठीक सामने वाले साइड स्मॉल ए, बी के ठीक सामने वाले साइड स्मॉल बी, और सी के ठीक सामने वाले साइड स्मॉल सी। आपको निकालना है इन तीन साइड दिया हुआ है, ट्राइंगल का तीन साइड दे रखा है, और पूछा गया कि ए डी का लेंथ कितना, मीडियन का लेंथ कितना, तो वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ रूट ओवर टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए के ठीक सामने वाला जो साइड होता है ना इसको माइनस में ले लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बोले कि बी ई का लेंथ कितना होगा, बी ई लेंथ, तो आप लिखोगे हाफ रूट ओवर बी ई, मतलब ये वाला, तो ये कितना होता है, तो ये लिखेंगे टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, और ठीक बी के सामने वाले साइड को माइनस में ले लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली सी एफ इसका लेंथ कितना होगा, तो आप बोलोगे हाफ रूट ओवर टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, और सी एफ, सी एफ मतलब ये वाला, इसके सामने वाला साइड सी, वो चला जाएगा माइनस में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में। आई होप इतना आप समझ पाए। एक और लास्ट, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी आपका मीडियन, ये दोनों साइड इक्वल, बी भी क्या है मीडियन, और सी एफ भी क्या है मीडियन, ये दोनों इक्वल। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स इंटू एरिया फॉर्म बाय द मीडियंस। कल को आपको ऐसा क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको कल को ऐसा क्वेश्चन दे रखेंगे कि मीडियन जो ए डी है, ए डी का लेंथ है 5, बी का लेंथ है बी ई, बी का लेंथ है 12, और सी एफ का लेंथ है, सी एफ का लेंथ है 13, ये मीडियंस का लेंथ दिया हुआ है। आपको बताना है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ए बी सी का एरिया क्या होगा, तो आप बहुत ही कंफ्यूज करोगे इससे, 5, 12, 13, इसको आप कैसे रिलेट कर पाओगे इस एरिया में, ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ए डी का लेंथ दे रखा है 5, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 5 है, बी का लेंथ 12 है, और सी एफ का लेंथ 13 है। अगर ये तीन साइड को हम निकाल दें, ए डी बी और सी एफ, तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तीन लाइन से एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। इसको इसको रिलेट करना है इस पूरे ट्राइंगल के साथ, तो वो एक रिलेशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स इंटू एरिया फॉर्म बाई द मीडियंस। अब हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स इंटू एरिया फॉर्म बाई द मीडियंस। अब हमको पता है ना कि ये जो डायमेंशन है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का डायमेंशन है, जिसमें क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हो गया 5, ठीक है, ये आपका 13, ये 12, आपको 12 यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 12 और हाइट मतलब 5, दैट्स ऑल। ये हो गया 6, 6 से हो गया 2, मतलब कितना हो गया 4, 2 जा मतलब 40, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 40 स्क्वायर यूनिट हो गया आंसर। अगर ये मान लो कोई आपको पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो भी क्या है, हीरोज फार्मूला लगा करके हम इसको क्या करते हैं, ईजिली हम निकाल सकते थे, जिसका फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला भी लगाकर हम एरिया किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये मीडियन समझ में आया। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।